Hello guys, the topic that we will be discussing today is the inguinal canal and the inguinal hernia. Okay, a very important topic, the inguinal canal. And lastly, we will see the clinical concept, that is the inguinal hernia, inguinal canal and hernia. Now, what is an inguinal canal and इंग्वाइनल केनाल कहाँ पे होता है? ना हम सबको पता है कि इंग्वाइनल केनाल जो है ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस है, राइट? इट इज़ एन इंटरमस्कुलर पैसेज, ओके? इट इज एन इंटरमस्कुलर पैसेज, इट इज एन इंटरमस्कुलर पैसेज. एंड कहाँ पे पाया जाता है ये? ये पाया जाता है हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, ओके? इसको याद रखना है. इट इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ anterior abdominal wall, anterior abdominal wall, okay. Now अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ, ना आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, एक हिप बोन में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, inguinal ligament. What is an inguinal ligament? Inguinal ligament जो है, if this is a ASIS, ASIS कहाँ पे मौजूद है? वो प्रेजेंट है हिप बोन में, राइट? इलियम बोन में, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. इस ASIS और यहाँ पे हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन है, ठीक है? इफ दिस इज अ प्यूबिक बोन, तो प्यूबिक बोन का ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है. प्यूबिक सिम्फाइसिस से बिल्कुल साइड में आपको एक बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, राइट? दिस इज नॉन एज अ प्यूबिक क्रेस्ट. और प्यूबिक क्रेस्ट में यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है जिसका नाम है प्यूबिक ट्यूबरकल. तो यहाँ से ASIS से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक हमारा ये लिगामेंट स्ट्रेच करता है, राइट? दिस लिगामेंट, दिस इसका नाम है इंग्वाइनल लिगामेंट. इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ASIS ऑफ द हिप बोन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल ऑफ द प्यूबिक बोन तक स्ट्रेच करते हैं. नाउ इस प्यूबिक ट्यूबर, आई मीन ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, इस इंग्वाइनल लिगामेंट के मिडल हाफ, राइट? अगर हम लोग बात करें तो इफ दिस इज द मिडल, द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इस मिड इंग्वाइनल पॉइंट के लगभग 1.2 सेंटीमीटर के ऊपर आपको यहाँ पे इंग्वाइनल केनाल दिखाई देगा, राइट? सो इंग्वाइनल केनाल यहाँ पे मौजूद है, क्लियर? मैं आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ ये. आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम फॉर यू, सी. नाउ दिस इज द ASIS. ASIS से ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है? ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो. दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक बोन है, ये जो है दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक क्रेस्ट. इस प्यूबिक क्रेस्ट के साइड में जो एक ट्यूबरकल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्यूबिक ट्यूबरकल. याद रखिए, ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल तक जो स्ट्रेच कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट. इस इंग्वाइनल लिगामेंट के 1.2 सेंटर, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, मिड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर आपको एक केनाल दिखाई दे रहा है. इस केनाल का नाम है द इंग्वाइनल केनाल. इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि इट इज एन इंटरमस्कुलर पैसेज एंड प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है? नाउ इसका एक्सटेंड देखेंगे. हमारा जो ये इंग्वाइनल केनाल है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग. आपको यहाँ पे एक रिंग दिखाई दे रहा है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस में बनता है ये डीप इंग्वाइनल रिंग. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग अप टिल द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ओके? सो इंग्वाइनल केनाल जो है, इट इज एन इंटरमस्कुलर स्पेस प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जस्ट अबव द मिडिल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. ये मिडिल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग अप टिल द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ओके? नाउ आप देख सकते हो डीप इंग्वाइनल रिंग क्या है. डीप इंग्वाइनल रिंग जो है, इट इज एन ओवल ओपनिंग. ये एक ओवल ओपनिंग है, राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग. यहाँ पे जो लिखा है इसी में लिख देता हूँ, इट इज एन ओवल ओपनिंग. इट इज एन ओवल ओपनिंग जो कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस में आपको दिखाई देगा. ये जो पीछे आपको दिख रहा है, दिस वन, दिस इज अ फेशिया ट्रांसवर्सलिस, लिख के भी रखा है मैंने, देखिए, फेशिया ट्रांसवर्सलिस. सो इट इज एन ओवल ओपनिंग प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ऑलराइट? उसके बाद देखते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. डीप इंग्वाइनल रिंग क्लियर हो गया,
क्या है डीप इंग्वाइनल रिंग? डीप इंग्वाइनल रिंग एक ओवल ओपनिंग है जो कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस में प्रेजेंट है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इट इज ए ट्राइंगुलर गैप, है ना, एक ट्राइंगुलर गैप की तरह दिखाई दे रहा है। और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज ए ट्राइंगुलर गैप, ट्राइंगुलर गैप एंड इट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरिसिस। नाउ आपको पता है एब्डोमिन में तीन मसल्स पड़े हैं आप लोगों ने, राइट, एक्सटीरियर में, द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस। सबसे बाहर जो मसल है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का यहाँ पे एपोन्यूरोसिस होता है, राइट। तो ये जो हमारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस में प्रेजेंट है ये, ओके। आप देख सकते हो इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का जो बेस है इट इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक क्रेस्ट। ये देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है द प्यूबिक क्रेस्ट, है ना, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का जो बेस है इट इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक क्रेस्ट। और इसके दो साइड का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको क्रूरा भी बोल सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे मिडल सेक्शन बनाएगा, राइट, ये मिडल मार्जिन बना देगा, राइट, या फिर अपर मार्जिन भी बोल सकते हैं, और ये हमारा लेटरल और फिर लोअर मार्जिन बनाएगा, ओके। ASIS अगर यहाँ पे प्रेजेंट है इसका मतलब है लेटरल यही हुआ, प्यूबिक बोन यहाँ पे है इसका मतलब मिडल साइड ये है। तो ये जो साइड है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा मिडल मार्जिन बनाएगा, ये हमारा लेटरल मार्जिन बनाएगा, ओके। सो दिस इज इंग्वाइनल कैनाल, राइट। एक और बार देखते हैं, इट इज एन ओब्लिक पैसेज, राइट, इंटरमस्कुलर ओब्लिक पैसेज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिन, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट के मिडिल सेक्शन के थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग अप टिल द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, क्लियर। आइए इसके बाउंड्रीज देखते हैं, बहुत सिंपल है, मैं आपको ये दोनों डायग्राम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, बॉडी का ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, दिस इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये बॉडी के सबसे बाहर में होता है, एब्डोमिन के सबसे बाहर लेयर मसल है, सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट। नाउ इस डायग्राम, ये दोनों डायग्राम को मैं अगर दिखाऊं आपको, देखिए बाउंड्रीज में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एंटीरियर बाउंड्री जो है इसका कौन बनाएगा, आप खुद बताइए। अगर ये स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले स्किन ही होगा, राइट, इस स्किन को हटा देते हैं तो सबसे पहले एंटीरियर वॉल जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्किन। स्किन के बाद क्या आता है? स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है, उसके बाद आएगा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो याद रखिए एंटीरियर वॉल जो है ऑन द होल एक्सटेंट, पूरे के पूरे एक्सटेंट में स्किन दिखाई देगा, स्किन को हटाएंगे सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होगा, सुपरफिशियल फेशिया को हटाएंगे तो हमें एक्सटर्नल ओब्लिक मसल दिखाई देगा, उस मसल का एपोन्यूरोसिस, राइट। एपोन्यूरोसिस क्या होता है? एपोन्यूरोसिस इज ए फ्लैट टेंडन, सो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। ये तो हो गया फुल एक्सटेंट में। और अगर हम लोग सिर्फ लेटरल वन थर्ड में देखेंगे, देखिए ये इंग्वाइनल लिगामेंट का या फिर इंग्वाइनल केनाल का मिडिल पार्ट है, इंग्वाइनल केनाल का लेटरल पार्ट है, तो लेटरल वन थर्ड में अगर देखेंगे तो आपको ये मसल दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटरनल ओब्लिक मसल, राइट, ये देखिए दिस इज द इंटरनल ओब्लिक मसल, तो आपको लेटरल वन थर्ड में इंटरनल ओब्लिक मसल दिखाई देगा। आई होप एंटीरियर बाउंड्रीज क्लियर है, ओके। आइए अब देखते हैं पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल या फिर पोस्टीरियर बाउंड्री कैसे बना, देख सकते हो आप इस डायग्राम में भी देखिए एंटीरियर वॉल आपको दिखाई दिया। पोस्टीरियर वॉल जो है, पोस्टीरियर वॉल इट इज फॉर्म्ड ऑन इट्स होल एक्सटेंड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ये देख सकते हो आप फेशिया ट्रांसवर्सलिस, राइट। और अगर फ्रंट से आपको दिखाई तो देखिए ये जो पीछे आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस बनाया मैंने, ये वाला, दिस इज अ फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर में आपको फेशिया ट्रांसवर्सलिस दिखाई देगा, इसके साथ साथ पेराइटल पेरिटोनियम है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज भी प्रेजेंट होगा। तो ये तो हो गया होल एक्सटेंड में, लेकिन अगर मिडिल टू थर्ड में देखेंगे, ये देखिए इस मिडिल टू थर्ड, यस मिडिल टू थर्ड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन, दिस इज द कंजॉइंट टेंडन एंड द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। व्हाट इज कंजॉइंट टेंडन? कंजॉइंट टेंडन होता है जो इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस मसल है, इन दोनों मसल्स के जो सबसे लोअर फाइबर्स होते हैं, है ना, इन दोनों मसल्स के एपोन्यूरिस न्यूरोसिस के सबसे लोअर फाइबर्स जो होते हैं ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होने के बाद एक कॉमन टेंडन बनाता है जिसको हम लोग कंजॉइंट टेंडन बोलते हैं, ओके। सो कंजॉइंट टेंडन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द लोअर मोस्ट फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस मसल, ठीक है। तो ये हमारा मिडल बाउंड्री बना दिया, आई मीन पोस्टीरियर बाउंड्री बना दिया, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं इसका रूफ, रूफ कौन बनाएगा?
आप देख सकते हो रूफ में एक आर्चिंग फाइबर दिखाई दे रहा है. द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द आर्चिंग फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस मसल. ठीक है, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो रूफ जो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रूफ जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस मसल, ये दोनों बनाएंगे. क्लियर. और फ्लोर कौन बनाएगा? फ्लोर बनाएगा ये वाला स्ट्रक्चर. ये क्या है? दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. राइट, यहाँ पे देखिए ये इंग्वाइनल लिगामेंट है. नाउ बहुत टाइम में वाइवा में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एन इंग्वाइनल लिगामेंट और हाउ इज इट फॉर्म. तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, जब ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अपने सबसे लोअर पार्ट में पहुंच जाते हैं, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अपने ही आप में ट्विस्ट हो जाते हैं और एक थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम या फॉर्म्ड बाय द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, है ना. और देखिए ये अपने आप पे फोल्ड बैक हो जाते हैं. दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, तो आप अगर, ये तो हमने फ्रंट से आपको दिखाया है, अगर आपको मैं साइड से ही दिखाऊं, राइट, सेजाइटल व्यू से दिखाऊं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर अगर दिखाऊं, तो देखिए एंटीरियर वॉल में यहाँ पे सबसे पहले स्किन ही आएगा, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया आएगा, उसके बाद आपके पास ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल प्रेजेंट है. राइट, और लेटरल वन थर्ड में इंटरनल ऑब्लिक मसल का थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाई देगा. पोस्टीरियर वॉल में आप देख सकते हो फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, और मिडिल टू थर्ड में आपको कंजॉइंट टेंडन दिखाई देता है. इन दोनों मसल्स का जो लोअर मोस्ट फाइबर्स है वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे कंजॉइंट टेंडन बनाएंगे. क्लियर. रूफ जो है ये इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस मसल के आर्चिंग फाइबर्स बनाते हैं. और फ्लोर जो है देखिए द ग्रूफ्ड सरफेस, द ग्रूफ्ड अपर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट बनाते हैं. तो आपको ये पता चल गया बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, और आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि इंग्वाइनल लिगामेंट बनते कैसे. क्लियर, इंग्वाइनल लिगामेंट एक लिगामेंट है जो ASIS से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक स्ट्रेच करते हैं. ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के जो लोअर मोस्ट फाइबर्स होते हैं एपोन्यूरोसिस, वही उसी के लोअर पार्ट जब वो अपने आप पे फोल्ड हो जाते हैं उसी से बनाते हैं हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट. क्लियर, आई होप आपको बाउंड्रीज भी क्लियर हो गए हो. नाउ हमें देखना है कि ये जो केनाल बना सुपर, ये डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बीच में जो ये केनाल बना है, इस केनाल के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स पास होते हैं. तो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द केनाल, क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होंगे थ्रू द केनाल, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द केनाल. सबसे पहले है स्पर्मेटिक कोर्ट. राइट, सबसे पहले है स्पर्मेटिक कोर्ट जो कि मेल्स में आपको दिखाई देगा. राइट, ये आपको मेल्स में दिखाई देगा. स्पर्मेटिक कोर्ट इज प्रेजेंट इन द मेल्स. और फीमेल्स में क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल्स में प्रेजेंट होता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. ठीक है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द केनाल में मेल्स में आपके पास स्पर्मेटिक कोर्ट दिखाई देते हैं, और फीमेल्स में वी हैव द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. ये कैसे स्ट्रक्चर पास होते हैं? देखिए ये पास होगा थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग से, ये एंटर करेगा इंग्वाइनल केनाल से आएगा और इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास होके नीचे की तरफ आ जाएगा. ओके, और इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, वो है द इलियो इंग्वाइनल नर्व. इसको याद रखना है आपको, द इलियो इंग्वाइनल नर्व. सो दो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, द स्पर्मेटिक कोर्ट एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल्स एंड द इलियो इंग्वाइनल नर्व. क्लियर, आई होप ये इंग्वाइनल केनाल का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है. राइट, नाउ अगर एक ऐसी रिवाइज करें, व्हाट इज एन इंग्वाइनल केनाल? द इंग्वाइनल केनाल ये एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर स्पेस है जो कि लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट है. 4 centimeters लॉन्ग है. इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली extending from the internal the deep inguinal ring up till the superficial inguinal ring. Clear? Very easy. Okay. Now ये जो हमारा inguinal canal है ये एक बहुत weak area है. ठीक है, the presence of inguinal canal जो है it is a cause of weakness in the lower part of the anterior abdominal wall.
लेकिन वीकनेस होने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा वीक ही रहेगा, है ना। इसको कंपेंसेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कंपेंसेट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया या कोई भी भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से स्ट्रक्चर्स जो है वीक होने की वजह से डीप इंग्वाइनल रिंग से लेके पास होके सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू पास हो सकता है और यहाँ पे कंडीशन फॉर्म हो सकता है या कंडीशन कॉज कर सकता है, जिसको हम लोग हर्निया बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए ये बहुत वीक एरिया है, राइट, दिस इज अ वेरी वीक एरिया, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारे ये ओब्लिगिटी ऑफ, मैं एक इधर लिख देता हूँ आपके लिए और एक्सप्लेन कर दूंगा, फैक्टर्स कंपेंसेटिंग द वीकनेस जो है वो कौन कौन से है ये देखते हैं। फैक्टर्स कंपेंसेटिंग द वीकनेस ऑफ द वर्म, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है इस केनाल का ओब्लिगिटी, है ना। ये जो केनाल है ये ओब्लिक दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, राइट, ये केनाल जो है ये ओब्लिक है, तो यही एक फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ओब्लिगिटी ऑफ द ओब्लिक्विटी ऑफ द इंग्वाइनल केनाल, ओब्लिक्विटी ऑफ द इंग्वाइनल केनाल, ये पहला फैक्टर है जो इसके वीकनेस को थोड़ा कॉम्पेंसेट करते हैं, क्लियर। दूसरा अगर हम लोग देखें तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है, ये देखिए, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पीछे से ये कंजॉइंट टेंडन, यहाँ पे एक टेंडन फॉर्म किया था हम लोगों ने, बताया था, देखिए पोस्टीरियर वॉल में मीडियल टू थर्ड इज फॉर्म बाय कंजॉइंट टेंडन, राइट। सो पोस्टीरियर साइड से कंजॉइंट टेंडन इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज गार्डेड बाय द कंजॉइंट टेंडन, गार्डेड बाय द कंजॉइंट टेंडन फ्रॉम बिहाइंड, राइट। पीछे की तरफ से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को कंजॉइंट टेंडन गार्ड कर रहे हैं। तीसरा, डीप, अगर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को गार्ड किया गया तो डीप इंग्वाइनल रिंग भी गार्ड होगा। सो डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इट इज गार्डेड बाय इंटरनल ओब्लिक मसल, राइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, इंटरनल ओब्लिक, ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है इट इज गार्डेड बाय द इंटरनल ओब्लिक मसल, है ना, वेरी सिंपल। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है इट इज गार्डेड बाय द कंजॉइंट टेंडन, एंड डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इट इज गार्डेड बाय द इंटरनल ओब्लिक मसल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट फैक्टर जो है इसको हम लोग बोलते हैं शटर मैकेनिज्म। नाउ इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये शटर मैकेनिज्म क्या होता है। तो शटर मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल, राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। देखिए हमारा जो ये इंटरनल ओब्लिक मसल है, ये जो इंटरनल ओब्लिक मसल मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका जो रिलेशन है इस केनाल में, तीन रिलेशन है, इट हैज़ अ ट्रिपल रिलेशन। कैसे? ये हमारा एंटीरियर वॉल भी फॉर्म कर रहा है ना, ये एंटीरियर वॉल में देखिए लेटरल वन थर्ड में दिख रहा है आपको, इट इज़ फॉर्मिंग द एंटीरियर वॉल। उसके बाद ये रूफ भी फॉर्म कर रहा है ना, ये देखिए एंटीरियर वॉल के लेटरल थर्ड में भी फॉर्म किया, इसने रूफ भी फॉर्म किया है, राइट, और ये पोस्टीरियर वॉल में भी मदद कर रहा है। कैसे? कंजॉइंट टेंडन कैसे बना? इन ये इसके लोअर फाइबर्स ने भी तो मदद किया है, राइट, तो पोस्टीरियर में भी ये हेल्प कर रहा है। तो मतलब ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और रूफ, मतलब अगर ये इंग्वाइनल केनाल है तो इसके ऊपर से ऐसे ये एंटीरियर वॉल हो गया, ये रूफ हो गया और ये पोस्टीरियर वॉल, ये तीनों रिलेशन इंटरनल ऑब्लिक यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ अगर ये इंटरनल और पोस्टीरियर वॉल अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रूफ है जाहिर सी बात है ये नीचे शटर की तरह चला जाएगा, है ना, जैसे हम लोग एक शटर को पुल करते हैं तो ये शटर की तरह पुल हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं शटर मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। नाउ जब एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो रूफ है रूफ अपने आप नीचे आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट, एक शटर की तरह वो बंद हो जाएगा, इसीलिए इसको शटर मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक बोला गया है। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, राइट, ओके। नेक्स्ट वाला जो है वो है बॉल वेल्व मैकेनिज्म, बॉल वेल्व मैकेनिज्म। ये बॉल वेल्व मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है? ये क्रीमेस्टर मसल की वजह से होता है,
ठीक है, बॉल वेल्व मैकेनिज्म जो है ये क्रीमेस्टर मसल की वजह से होता है। यहाँ पे जो क्रीमेस्टर मसल प्रेजेंट है, जब वो क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्रीमेस्टर मसल क्या करेगा, ये पूरे स्पर्मेटिक कॉर्ड को, मतलब इस ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में एक प्लग की तरह काम करेंगे, राइट। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इसी के पीछे प्रेजेंट है हमारा ये क्रीमेस्टर मसल। जब क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसको इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को एक प्लग की तरह फॉर्म करने की मदद करेंगे। तो यहाँ पे एक प्लग की तरह आके इसको बंद कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं वो नीचे नहीं आ पाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉल वेल्व मैकेनिज्म। ओके, ऑलराइट। एक और मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिट वेल्व मैकेनिज्म, द स्लिट वेल्व मैकेनिज्म। ये स्लिट वेल्व मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है, ये स्लिट वेल्व मैकेनिज्म होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की वजह से। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। नाउ देखिए, यहाँ पे ये जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बना है, राइट, ये किसकी वजह से बना है, ये बना है हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के लोअर पार्ट में। तो जब ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के ये दोनों क्रूरास जो है, एंटीरियर क्रूरा एंड पोस्टीरियर क्रूरा कंट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो ये जो पूरा हमारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये बंद हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग बोल देते हैं द स्लिट वेल्व मैकेनिज्म। एंड लास्टली वी हैव द हॉर्मोन्स। ये सब स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दिस आर द फैक्टर्स जो कि इंग्वाइनल केनाल के वीकनेस को कंपेंसेट कर रहे हैं। वी हैव द ऑब्लिकिटी ऑफ द इंग्वाइनल केनाल, the superficial inguinal ring which is guarded by the conjoint tendon from behind, the deep inguinal ring is guarded by the internal oblique, shutter mechanism of the internal oblique, ball valve mechanism cremaster muscle ke contraction ki wajah se hai, and lastly the slit valve mechanism external oblique contraction ki wajah se hoga, and lastly we have the hormones. ye sare structures ye ho raha hai. So these structures are responsible for maintaining or compensating the weakness of the inguinal canal. Now यहाँ पर हमने जो structures बोला है, the structures passing through the canal, उसमें spermatic cord लिखा है। Now इसका एक छोटा सा हम लोग diagram देख लेते हैं। कभी कभी question पूछ लेते हैं कि ये जो spermatic cord है उसका आप एक transverse section का एक diagram बनाइए। तो मैंने already बना के रखा है, this is the diagram of a transverse section of स्पर्मेटिक कॉर्ड। नाउ इसमें अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आपको तीन आर्टरीज दिखाई देंगे, तीन नर्व्स दिखाई देंगे और बाकी तीन अदर थिंग्स हैं। ओके, नाउ देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, देखिए सॉरी, ये जो सबसे बाहर वाला जो फेशिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ओके, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इस एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्रीमेस्टरिक फेशिया। एंड लास्टली द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये इसके स्पर्मेटिक कॉर्ड के कवरिंग है। द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, द क्रीमेस्टरिक फेशिया एंड देन द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, पहले आर्टरी देखते हैं। देखिए, वी हैव द आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस, राइट, देख रहे हो आप the artery to the ductus deferens, और इस artery to the ductus deferens के around में आपको sympathetic nerve plexus भी दिखाई दे रहे हैं, right? So we have the sympathetic nerve plexus present around the artery to ductus deferens. Next artery जो है वो ये है, जो कि हमारा testicular artery है, this is the testicular artery, right? And तीसरा जो artery हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है artery to the cremaster muscle, ये वाला, this is the artery to the क्रीमेस्टर मसल। नाउ ये डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सो देखिए, आर्टरी टू द क्रीमेस्टर हो गया, द टेस्टिकुलर आर्टरी भी हो गया, एंड लास्टली वी हैव द आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, राइट। नाउ देखते हैं नर्व्स। इसमें जो नर्व्स आपको दिखाई देगा वो है द जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फिमोरल नर्व। अगर आपको याद हो, फिमोरल ट्राइंगल वाला टॉपिक जो है उसको एक बार फिर से चेक कीजिए, उसमें जो फिमोरल शीट बनाया था, उस फिमोरल शीट में आर्टरी के साथ एक नर्व आपको पढ़ाया था, उसका नाम था फिमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फिमोरल नर्व। यहाँ पे जो नर्व आपको दिखाई दे रहा है ये है जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फिमोरल नर्व। ओके, एंड लास्टली वी हैव द इलियो इंग्वाइनल नर्व। ये तो बाहर वाला ही स्ट्रक्चर है, इलियो इंग्वाइनल नर्व बाहर ही रहता है ये।
तो ये तीन नर्व्स हो गए। बाकी क्या है हमारे पास, हमारे पास ये लिम्प प्लेक्सस है, राइट, वी हैव द लिम्प वेसल्स, देख सकते हो, वी हैव द लिम्प वेसल्स। लिम्प वेसल्स के साथ साथ वी हैव द डक्टस डिफरेंस, ये देखिए, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज द डक्टस डिफरेंस एंड वी हैव मेनी वेन्स। आप यहाँ पे बहुत सारे वेन्स दिखाई दे रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। ओके, सो द वेन्स ऑफ द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा याद रखिए, इस डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं 2 मार्क क्वेश्चन में या 3 मार्क क्वेश्चन में, ड्रॉ ए ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, ऑलराइट, सो ये था हमारे इंग्वाइनल कैनाल के बारे में टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्वाइनल कैनाल। नाउ देखते हैं इंग्वाइनल कैनाल में जो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, विच इज नॉन एज हर्निया। व्हाट इज हर्निया, ठीक है, तो हर्निया जो है इट इज बेसिकली ए प्रोट्रूशन, ठीक है, अपने वॉल से एक प्रोट्रूशन होना, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, तो हर्निया जो है इट इज ए प्रोट्रूशन, याद रखिए, हर्निया इज ए प्रोट्रूशन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट्स। ओके, हर्निया जो है, इट इज ए प्रोट्रूशन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट्स, थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल, ठीक है, प्रोट्रूशन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट्स, लेकिन मेजॉरिटी इसमें लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन ही होता है। सो प्रोट्रूशन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल, है ना, एब्डोमिनल वॉल के किसी भी वॉल से प्रोट्रूट करके अगर वो इंग्वाइनल कैनाल में आ जाए, थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, राइट, नॉट थ्रू, इनटू इंग्वाइनल कैनाल। तो देखिए हर्निया क्या है, हर्निया इज ए प्रोट्रूशन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल इनटू द इंग्वाइनल कैनाल, क्लियर, दिस इज नॉन एज हर्निया। नाउ इंग्वाइनल कैनाल में आया है तो इसका नाम हो जाएगा इंग्वाइनल कैनाल, फिमोरल एरिया में होता तो उसका नाम हो जाता फिमोरल हर्निया, है ना। तो हर्निया का सिंपल मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट का एरिया या फिर एक बाउंड्री का कंटेंट जो है, अगर वो अपने बाउंड्री को पियर्स करके किसी दूसरे कंटेंट में चले जाए या किसी दूसरे बाउंड्री में एंटर कर जाए, उसको हम लोग हर्निया बोलते हैं। नाउ हर्निया जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए सैक, है ना, आप देख सकते हो हर्निया एक सैक है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज द सैक, ये हर्निया का सैक है। नाउ हर्निया इट कंसिस्ट ऑफ ए सैक, राइट, सैक के बाद आपको ये कंटेंट दिखाई दे रहा है, कंटेंट जो है बेसिकली लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन ही होता है, तो ये हमारा इंटेस्टाइन है, द लूप ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट हर्निया का, ये कंटेंट हो गया, ये हर्निया का सैक हो गया, राइट, और उसके कवरिंग्स आप देख सकते हो, ये कवरिंग ऑफ द हर्निया, राइट। तो एक हर्निया में क्या क्या प्रेजेंट है, वी हैव द सैक, ये जो सैक, वी हैव द कंटेंट एंड वी हैव द कवरिंग्स। ये जो सैक है ये क्या है, ये सैक जो है बेसिकली पेरिटोनियम ही होता है, जो आपने एब्डोमेन के शुरुआत में एक टॉपिक पढ़ा होगा एब्डोमेन में, पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम का ही एक एक्सटेंशन है या एक प्रोट्रूशन है जो कि नीचे आके सैक बना देता है, राइट। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए आपको एक नेक दिखाई दे रहा है, मतलब एक स्मॉलर पार्ट, इट कंप्राइजेस ऑफ ए नेक जो कि एक नैरो पार्ट है, और एक बॉडी दिखाई दे रहा है जो कि एक्सटेंडेड, देखिए कितना एक्सटेंडेड पार्ट है, ये लार्जर पार्ट है। सो वी हैव ए नेक एंड वी हैव ए बॉडी, क्लियर, नेक इज स्मॉल एंड बॉडी इज लार्ज, और इसमें कंटेंट्स क्या है, वी हैव द लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर्निया जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट हर्निया, ठीक है, द हर्निया इज ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला जो है वो है हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ओके, इट इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो ये हम लोग कब इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जब कोई भी स्ट्रक्चर प्रोट्रूशन में, यही डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं आपको, कोई भी स्ट्रक्चर, यही इंग्वाइनल कैनाल का डायग्राम देखते हैं, जब कोई भी प्रोट्रूशन इस डीप इंग्वाइनल रिंग से होते हुए, ओके,
डीप इंग्वाइनल रिंग से होते हुए इंग्वाइनल केनाल की तरफ आता है। इस इंग्वाइनल केनाल के थ्रू इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल और उसके बाहर यहाँ नीचे स्क्रॉटम में चला जाए, मतलब अगर ये पूरा रास्ता कवर करे फ्रॉम प्रोट्रूशन जो है फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द इंग्वाइनल केनाल फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इन टू द स्क्रॉटम अगर यहाँ तक जाए इस रास्ते के थ्रू, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनडायरेक्ट या फिर ओब्लिक इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इट इज नॉन एज ओब्लिक या फिर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो पहला टाइप का हो गया इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। नाउ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, यहां पे प्रोट्रूशन जो होगा ये होता है, प्रोट्रूशन जो होता है ये इस वीक वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल, याद है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल केनाल पढ़ा था हम लोगों ने, इस पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल केनाल को अगर पियर्स करे, ओके यहां से पियर्स करने के बाद वो इस इंग्वाइनल केनाल के थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से नीचे आए तो उसको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल, आई मीन डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। क्लियर है, इनडायरेक्ट हर्निया में, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में डीप इंग्वाइनल रिंग भी इन्वॉल्व है, ये केनाल भी इन्वॉल्व है, इंग्वाइनल केनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग भी इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में डीप इंग्वाइनल रिंग इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे कंटेंट जो है डायरेक्टली पोस्टीरियर वॉल, वीक पोस्टीरियर वॉल को प्रोट्रूड करके इस इंग्वाइनल केनाल में आ जाते हैं और यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, ओके यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल के थ्रू अगर वो नीचे आ जाए तो इसको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल किसकी वजह से बन रहा है, अभी हम लोग इसके बाउंड्रीज देखते हैं। जो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होता है उस ट्राइंगल का नाम है हेसलबैक ट्राइंगल, ओके इट इज नोन एज हेसलबैक ट्राइंगल। नाउ कभी कभी पूछ लेते हैं या वाइवा में ही पूछ लेते हैं कि ये जो हेसलबैक ट्राइंगल है इसके बाउंड्रीज बताइए। याद रखिए हेसलबैक ट्राइंगल का दूसरा नाम इंग्वाइनल ट्राइंगल भी है, ओके इट इज ऑल्सो नॉन एज इंग्वाइनल ट्राइंगल। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे कोई पूछे इंग्वाइनल ट्राइंगल की बाउंड्रीज बताइए तो वो आपसे हेसलबैक ट्राइंगल के ही बाउंड्रीज पूछ रहे हैं। तो हेसलबैक ट्राइंगल जो है ये कैसे बन रहा है मैं आपको पहले डायग्राम में दिखाता हूँ। इस डायग्राम में आपको ये आर्टरी दिखाई दे रहा है, राइट दिस आर्टरी इज द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो हेसलबैक ट्राइंगल के लेटरल में आपको, क्योंकि देखिए ये लेटरल पार्ट हो गया, ये मिडल पार्ट हो गया ना, तो लेटरल पार्ट में आप देख सकते हो ये आर्टरी दिखाई दे रहा है। तो हेसलबैक के लेटरली वी हैव द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मिडली जो होगा यहाँ पे एक मसल होगा जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के लेटरल बॉर्डर्स, ओके द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस जो है वो मिडल बॉर्डर ऑफ द हेसलबैक ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। ये अगर लेटरल बनाया तो यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस का जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, वो बना देगा इसका मीडियल बाउंड्री एंड इन्फीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट। तो ये जो ट्राइंगल बना यहाँ पे, दिस ट्राइंगल इज द हेसलबैक ट्राइंगल। यहाँ पे बाउंड्रीज लिख देते हैं, बाउंड्रीज ऑफ हेसलबैक ट्राइंगल या फिर इंग्वाइनल ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं बाउंड्रीज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेसलबैक ट्राइंगल जो है लिटरली क्या होता है। सो लिटरली इट इज बाउंडेड बाय क्या है, आर्टरी, राइट कौन सा आर्टरी, द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर, लिटरली इट इज बाउंडेड बाय द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरा है मीडियली, मीडियली जो है इट इज बाउंडेड बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। क्लियर, एंड लास्टली इन्फीरियरली, इन्फीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल
इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये आपको याद रखना है, हेसस बैक ट्राइंगल का बाउंड्रीज, इट इज बाउंडेड इन्फीरियरली बाय द, आई मीन बाउंडेड लिटरली बाय द इन्फीरियर एपिकेस्ट्रिक आर्टरी, राइट, बाउंडेड मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस, यहाँ पे होगा, एंड इट इज बाउंडेड इन्फीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। वेरी इजी, दिस इज अबाउट द हेसस बैक ट्राइंगल। तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो कॉमनली इसी ट्राइंगल से ही ऑकर होता है। आई होप आई हैव मेड द टॉपिक वेरी क्लियर, मैंने बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन किया है। इफ देर आर एनी डाउट्स या फिर आपको कोई समझ नहीं आ पाया हो, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल चेक इट आउट टुगेदर अगेन। थैंक यू सो मच।